भैया जब भी आप शहर से आते हैं इस हंडी को जमीन से निकालते हैं, इसके रुपए गिनते हैं और फिर उसे और रुपए जोड़ देते हैं, ये सब है क्या भैया? अरे पगली, ये बैंक है, बैंक। इसमें अकाउंट है तेरी शादी का, तेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ मैं। एक भाई का फर्ज निभा रहा हूँ। ये क्या है भैया? ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है, वो हमेशा पहना करते थे। नहीं भैया, कल तक इसे हमारे पिताजी पहना करते थे, लेकिन आज से मेरा भैया पहनेगा। चल जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी। कोई बेटी अपने बाप का भी इतना ख्याल नहीं रखती होगी जितना तू मेरा ख्याल रखती है। अच्छा बाबा, भैया जब कई कई दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं तब मेरा कौन ख्याल रखता है? आप ही ना। बेटी, जब से मैंने अपनी बेटी को खोया है ना, तुझमें ही अपनी बेटी की शक्ल देखा करता हूँ। बाबा, जो नहीं है उन्हें याद करके दुखी मत होइए, बल्कि जो है उन्हें देखकर खुश होइए। इतनी सी है और उपदेश इतने बड़े बड़े देती है। अच्छा बाबा, आप खाना खाइए, मैं चलती हूँ। अरे सुन। जी बाबा। अपने भैया से कहियो कल शहर जाने से पहले मुझे चौक पे मिले। अच्छा। गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसे सुलझाना है। दे दूंगी। भाइयों, इस साल तो एक भी बूंद पानी नहीं बरसा, गांव के सारे कुएं सूखे पड़े हैं, बस एक ही कुआं रह गया है जिसमें थोड़ा सा पानी है। उसका पानी तो तले में बैठ गया है, एकदम मटियाला पानी रह गया है। और वहाँ लंकेश्वर के इलाके में हरियाली ही हरियाली है, उसके सारे कुएं लबालब पानी से भरे रहते हैं और इतने बड़े पानी की नहर भी सिर्फ उसी के इलाके में बहती है। राजेश्वर, लंकेश्वर तो तुम्हारा भाई है ना? अरे नाम मत लो उसका, तुम क्या समझते हो कि मेरे कहने पर वो गांव को अपने कुएं का पानी दे देगा? अरे चाहे सारा गांव भूखों मर जाए, प्यासा मर जाए, एक बूंद भी पानी नहीं देगा वो। उसकी इस बेरहमी और अहंकार की वजह से मैं उसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ उससे। राजेश्वर, राजेश्वर, भूल जा अपने उस गुस्से वाली भावना को गांव की भलाई के खातिर और चल दे उस लंकेश्वर के मकान की तरफ। कोई फायदा नहीं मुखिया। राजेश्वर भैया, अपने गांव के लिए थोड़ा सा पानी मांगना, इसमें बुराई क्या है? अरे विनती करेंगे उससे पानी के लिए, कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। ठीक है चलते हैं, जो आप सबकी राय है वही मेरी राय है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठाकुर साहब से मिलने। ठाकुर साहब छोटे लोगों से नहीं मिलते। खामोश, वरना हलक से जबान उखाड़कर कुएं की चरखी पर लटका दूंगा। जाकर बोल के उसका भाई राजेश्वर मिलना है उसको। चल। राजेश्वर आया परमेश्वर, हम पानी का पहरा छोड़कर नहीं जा सकते। वाह वाह, नेताओं का कुर्सी पर कब्जा देखा, गुंडों का जमीनों पर देखा, लेकिन पानी पर कब्जा ये पहली बार देख रहा हूँ। खैरियत से लौट जा वरना कुचल दिया जाएगा। हम लोग ठाकुर साहब से बात करने आए हैं। ठाकुर साहब फिजूल की बातें नहीं सुनते। मगर हम गरीबों की मजबूरी तो सुन सकते हैं। मेरा बच्चा मटियाला पानी पी पी कर बीमार हो गया है। ये देखो, वहां हम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं और यहाँ तुम लोग एक जानवर को पानी से नहला रहे हो। अरे जानवर नहीं, वो ठाकुर साहब की रानी है, ठाकुर साहब उसी का दूध पीते हैं। हम उसे दूध से नहलाएं या पानी से? ये क्या कर रहे हो? मुझे नहीं, अरे मुझे मर जाएगा, मर जाएगा गंजा। हम हैं ठाकुर लंकेश्वर, ये है हमरी लंका और हम हैं ई के ईश्वर। वाह वाह रे जवान वाह, मजा आई गवा का जोश है
का जवानी है और जो उनके लिए लड़ाई है उसका नाम पानी है। ठाकुर साहब, लड़ाई तो दौलत और जायदाद की होती है, पानी पर कैसी लड़ाई? भैया, हम लड़ने नहीं, पानी मांगने आए हैं। राजेश्वर, सकल तत्वों का भगवान ने हमरी दी है, मगर किस्मत किस्मत किसी बदनसीब का तोरी नसीब मसल टाई दी है। भैया, मैं गरीब सही, बदनसीब सही, भिखारी समझकर पानी की भीख हम गांव वालों की झोली में डाल दो। अरे हम तो सारा कुआं सारा तालाब गांव मसल टाई दें, हमका कोनो ऐतराज नहीं। ले जा, जितना पानी चाहिए ले जा। धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। भैया, आपने तो गांव का कल्याण कर दिया। ठाकुर साहब, ये क्या? ए मरदवा, तू तो हमारी अधूरी बात सुनते ही दाम बिना काम शुरू कर दिए। दाम? पानी मन में आए उतना ले जाओ, मगर हमरे हिसाब से वो पानी के बदले गांव की जमीन हमरे नाम कर जाओ। इस हाथ दो उस हाथ लो। नहीं बेटे, एक बीघा जमीन 100 बाल्टी पानी, 1000 बीघा जमीन 1,00,000 बाल्टी पानी। ओ, तो तू कौड़ियों के दाम गांव वालों की जमीन अपने नाम करवाना चाहता है ठाकुर? क्या करें, हम तो बिजनेसमैन हैं। ठाकुर, जमीन की कीमत पानी से लगाता है तू? ये दुनिया में कोनो चीज की कोनो कीमत नहीं, जिस चीज की जरूरत बस उसी की कीमत। कोनो माई का लाल अपना सारा खून बहाए कर भी यहां से एक बूंद पानी नहीं ले जा सका। नहीं विजय, नहीं, तू इसके मुंह मत लग बेटे। विजय, मत कर, मत कर, ये मार डालेगा तुझे। बात सुन, खुदा के कहर से डर, ईश्वर से डर, उसकी लाठी में आवाज होती है। जो सर उठाकर चलता है वो मुंह के बल गिरता है। याद रख, इन प्यासों की आहें, इन गरीबों की बद्दुआएं तेरी जिंदगी से तेरी खुशियां छीन ले। ये एक फकीर की बद्दुआ है, तू मौत की भीख मांगेगा, तुझे मौत नहीं मिलेगी, ये मेरा श्राप है। चल बेटा, चल चल। सल्टा ही देंगे, सल्टाई देंगे सारे गांव की जमीन का मामला, क्योंकि हमरे खून में छिपा है क्रोध का भंवर। दुनिया हमका कहती है लंकेश्वर, ये है हमरी लंका और हम हैं ई के ईश्वर, लंकेश्वर। विजय, कहा था ना मैंने कि वो बड़ा कमीना और नीच है, वो हमें एक बूंद भी पानी नहीं देगा। अरे आज तक किसका भला किया है लंकेश्वर ने जो इस गांव का भला करेगा? बेटे, मैं मानता हूं कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला है और वो है कलेक्टर का दरवाजा। अगर वो सरकार की तरफ से गांव में एक ट्यूबवेल लगवा दे तो ये पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मुखिया, इन बड़े लोगों से मिलने के लिए बड़ा वक्त लगता है। वक्त वक्त तो तकदीर के पास भी नहीं है राजेश्वर भैया, जो इस गांव की तरफ मुड़कर देख सके। वक्त से लड़ना है और कलेक्टर से मिलना है। पांच बज चुके हैं, अब कल आना। साहब, साहब प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए साहब। पांच बजे के बाद तो मैं भगवान की भी नहीं सुनता साहब। हाँ साहब, कल आज करते करते महीनों गुजर गए, हमारे गांव पर तरस खाई है साहब। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता साहब। साहब मान लीजिए कि अभी 5 नहीं बजे हैं। अजीब आदमी हो, सामने दिखाई नहीं देता, 5 बज चुके हैं।
अरे 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 ये क्या कर रहे हो? सुनो, अरे अरे अब जब तक 5 नहीं बजेंगे मैं आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे गांव के लिए एक ट्यूबवेल साहब। साहब आपको तो पता है कि 3 साल से गांव में पानी नहीं बरसा और तो के पैरों में छाले पड़ गए हैं पानी लाते लाते, और अब वो कुएं भी सूखने को आ गए। साहब सारा गांव परेशान है कलेक्टर साहब, और आपकी सरकार एक ट्यूबवेल नहीं लगा सकती। सिर्फ कह देने से ट्यूबवेल नहीं लगता। तुम्हें पता है एक ट्यूबवेल कितने का आता है? 30,000 का। और ट्यूबवेल लगवाने हैं 1,00,000। 1,00,000 ट्यूबवेल आते हैं 30 करोड़ के, और 30 करोड़ अभी सरकार के पास नहीं है। जब आ जाएंगे तब लगवा देंगे ट्यूबवेल, ये मेरा वादा है। मैं समझ गया साहब, आपके बाकी 5 बज चुके हैं, अब जाइए साहब। यार कैसा रहा आज का दौरा तुम्हारा? फाइन मारा मेरे को आज। अरे वो देख, आज विजय को क्या हो गया? अरे चल देखते हैं, चल देखते हैं, आजा। अरे विजय क्या हुआ तेरे को? अरे यार उदास है क्या? बोल यार, चुपचाप यहाँ पे बोल यार। अरे बोल रहे यार, अरे लंकेश्वर, जमीन के सौदे के मुताबिक मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये गांव की जमीन मेरे नाम कब होगी? गांव की जमीन हमारे नाम होते ही हम सारा गांव तुम्हारे नाम कर देंगे। पर इतनी ढेर सारी जमीन लेकर तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहते हो निरंजन? हर पल में लाखों का सौदा होगा और मैं खुद करोड़ों कमाऊंगा। वाह भाई वाह, हमका लाखों मा टरकाई के खुद करोड़ों का समंदर मा तैरोगे। मैं दुनिया का सबसे खुदगर्ज और मतलबी आदमी हूं। अगर तुम ये जमीन वाकई मेरे नाम करवा दो तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस में 50% पार्टनर बना दूंगा। अब हुई ना अकलमंदी की बात, तोरे बिजनेस में 50% भागीदारी? अरे तब तो एक ठो गांव तो का इलाके के सारे गांव हम तुम्हारे नाम कर देंगे। हे धनवा। जी मालिक। जा और रानी को मारकर वो कुआं में फेंक दे, चौन कुआं में से गांव वाले पानी पीते हैं। मगर वो भैंस तो हाँ हाँ हाँ, रानी हमें प्यारी है मगर गांव की जमीन हमें ज्यादा प्यारी है। मरी हुई रानी को अपना कुआं में देखकर गांव वाले कुआं का पानी नहीं पियेंगे। पानी के लिए वो हमरे पास आएंगे और हम उनका पानी देंगे, मगर उनकी जमीन अपने नाम लिखवाने के बाद। समझा? चलटाई दे रानी को। जी मालिक। गुड। विजय ये जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। हम तो हाथ जोड़ करके विनती करने गए थे, हाथापाई करने नहीं। खामखा तुमने बात बिगाड़ कर रख दी। बात बिगाड़ के रख दी, ये कैसे हो सकता है काका? आप लोग भी तो उनके साथ गए थे ना। साथ गए थे विनती करने, हाथापाई करने नहीं। अरे वाह मरदवा वाह, वो गांव की बहू बेटियों की इज्जत उतारने की बात कर रहा था। तो भैया क्या सर झुकाकर चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते? उसने तेरी शेर का बच्चा है मेरा विजय। आखिर हो गई ना लंकेश्वर से दुश्मनी? अरे तो अब तक कौन सी दोस्ती थी, ये गांव तो आज तक उसकी आंखों में कांटे की तरह चुपता रहा है। उसने भी तो मरा हुआ जानवर कुएं में फेंक कर हमारा पानी बंद कर दिया ना। विजय भैया भले ही हम मटियाला पानी पीकर जी रहे थे मगर अब तो ये भी नहीं रहा। विजय मुझे मालूम था कि वो कमीना वो नीच बड़ा बेरहम है। अरे खामखा सारा गांव तेरा दुश्मन हो गया, ना तू वहां जाता ना ये मरा हुआ जानवर कुएं में गिरता और ना ही ये नई मुसीबत आती। बड़े गए थे गांव के लीडर बनने, अब हमारे लिए पानी का इंतजाम करो ना। विजय अब तो पीने के पानी के लिए भी हमें अपनी अपनी जमीनें ठाकुर लंकेश्वर के नाम लिखनी पड़ेंगी। अपनी अपनी जमीनें लिखते जाओ और पीने का पानी लेते जाओ। अगर हम सब अपनी जमीनें बेच देंगे तो लंकेश्वर हम सबको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर गांव से बाहर फेंक देगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है विजय, सिर्फ एक ही रास्ता, अपनी जमीनें उसके नाम लिखो या फिर प्यासे मरो।
बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना माँ, पानी दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ ठाकुर साहब, ये अपने कुएं से पानी चुराने आए थे। ए कलवा। जी ठाकुर साहब। एक ठो बाल्टी पानी ले आ। जी की बहू बेटी पर, समझता क्या है तू अपने आप को, समझता क्या है? दरिंदे शैतान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रख, इन प्यासों की आहे, इनकी बद्दुआएं तेरी जिंदगी से तेरी खुशियां छीन लेंगी। बहुत बद्दुआ दे रहा था मेरे भाई को, हैं? अरे वाह, लंकेश्वर की लंका माँ अकेले ही चले आए। इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है, तो फिर अकेलेपन से क्या घबराना। यहाँ आने का मतलब? अपनी जमीन बेचने आया हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि जमीन दे जाना और पानी ले जाना, गांव वालों के लिए पानी का बंदोबस्त करने आया हूँ। तुम्हारी जमीन के बदले हम तुम्हारे गांव वालों को अपने कुएं से एक महीने का पानी दे सकते हैं, सिर्फ 30 दिन। ये ईमानदारी का सौदा नहीं है ठाकुर, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बेईमानी भी मंजूर है। जरूरत की कीमत होती है। हाँ, जरूरत मेरी है ठाकुर, इसलिए कीमत तो तुम्हारी ही होगी। तो फिर लगा दे अंगूठा। अंगूठा तो तुम्हें भी लगाना है ठाकुर, इस सरकारी कागज पर, कि 30 दिन तक मेरे गांव वाले तुम्हारे कुएं पर पानी भर सकते हैं। उन्हें ना कोई कानून ना कोई लठैत रोक सकता है। वाह वाह रे मरद, वाह वाह, खूब पक्का काम करके आया है रे तू। तूने तो पूरा मामला ही सलटा ही दिया। ठीक है, जमीन की खातिर हम एक अंगूठा तो क्या 10 अंगूठे लगा सकते हैं। अरे भैया, ये का किया? एक महीना के लिए अपना कुआं गांव वालों के नाम कर दिया। तो क्या हुआ, एक हफ्ता में मिलने वाली जमीन एक महीना के बाद मिलेगी? बेटे, ये रुपए तो तूने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए थे, इनसे तू गांव वालों के लिए ट्यूबवेल खरीदेगा? बाबा, शादी का मतलब है घर बसाना, और फिर बिना पानी के गांव के सारे घर उजड़ जाएंगे। मैं अपनी एक बहन का घर बसाने के लिए गांव के सारे घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता बाबा। भगवान दुनिया की हर बहन को मेरे भैया जैसा भाई दे। तो जैसे बेटे के होते हुए ये गांव ना तो प्यास से मर सकता है ना उजड़ सकता है। विजय, वाकई तो इस गांव का मसीहा है। मसीहा तो ससुरा मसीहा बन गवा, गांव का मसीहा।
अरे भैया वो तुम्हारे पंजे से गांव को छुड़ाना चाहता है, इसलिए तो ट्यूबवेल लाने शहर जा रहा है साला। वो शहर नहीं, शमशान जाएगा। हमारे खास आदमी का रास्ता माही सलटाई देंगे, सलटाई देंगे ससुरे। गांव वालों, अरे तुम लोग इसे बुरा भला कह रहे थे ना, अपना दुश्मन समझ रहे थे, वही हमारा असली दोस्त है। अरे दोस्त तो क्या, इंसान तो क्या, फरिश्ता है, बस यहाँ इस गांव का। जानते हो इसने अपनी बहन की शादी के लिए जो रुपया जमा किया था ना, उन्हीं पैसों से अपने गांव के लिए ट्यूबवेल लेने जा रहा है। जब ये लौट कर आएगा तो गांव के घर घर में पानी होगा, फिर किसी गांव वाले को वंदना की तरह ये गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। राजेश्वर भैया, वंदना गांव छोड़ के चली गई? हाँ विजय, पानी की समस्या ने अपनों को अपनों से अलग कर दिया, पता नहीं कहां चली गई बेचारी। गांव वालों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के बाद गांव का कोई आदमी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। मैं शहर जाकर बहुत जल्द ट्यूबवेल लेके आ रहा हूं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। भैया शहर से लौट के जल्दी आना, अपना ख्याल रखना। बेटे संभल के रहना। तू अपना ख्याल रखना, तेरे बिना गांव बड़ा सूना लगेगा। अपना ध्यान रखना विजय। गांव वालों, विजय अपनी बहन की शादी के पैसों से सिर्फ ट्यूबवेल खरीदने नहीं गया है, वो इस गांव के लिए पानी का भी इंतजाम करके गया है। ये देखो कागज, ये देख, देख राजेश्वर, देख शांति बहन, उसने अपनी जमीन ठाकुर लंकेश्वर को बेच दी है, और उस जमीन के बदले ठाकुर लंकेश्वर एक महीने तक अपने कुएं से गांव के एक एक घर को पानी देता रहेगा। वाह बेटे वाह, शाबाश बेटे। अरे बेटा हो तो तुझ जैसा। जा बेटे जा, गांव वालों की दुआएं तेरे साथ है बेटे। मीठे ताजे बेर साहब, मीठे ताजे बेर, 2 रुपया किलो साहब, 2 रुपया किलो। चाय गरम, गरमा गरम चाय, चाय भी अभी चाय, चाय गरम चाय, चाय लीजिए चाय। एक चाय देना। लो बाबूजी। आप इन्हें जानती हैं? मगर ये साले हैं कौन, खामखा मेरे पीछे पड़ गए। अरे सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। ए भाव जरा हाथ लगा ना, बहुत बोझा है। अरे भाई साहब आपने मेरा बैग देखा? अरे सुबह से आना नहीं देखा, तेरा बैग कहां से देखूंगा, चल फुट। भाई साहब मेरा बैग देखा? नहीं भाई नहीं देखा। अरे भाई साहब मेरा बैग यहां पड़ा। नहीं नहीं, हवलदार साहब अंदर अंदर। साहब उधर जाओ। साहब बॉम्बे सेंट्रल बस स्टेशन पे मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें 32,222 रुपए थे।
और आप मेरी कंप्लेन लिखने के बजाय फोन पे बेकार की बकवास कर रहे हैं। अरे सरकार ने ये वर्दी और ये कुर्सी जनता की सेवा के लिए दी है, फोन पे हंसी मजाक और बकवास की बातें करने के लिए नहीं दी है, समझे आप? एक मिनट होल्ड करना, एक अभी तुम्हारी कंप्लेन लिखते हैं। हवलदार आया साहब। ओ हवलदार। जी साहब। बंद कर दे साले को, दो दिन हवालात में रहेगा तो मेरे जैसे इंस्पेक्टर से बात करने का तरीका सीख जाएगा। बंद कर दे। अरे साहब, मुझे कानून सिखाता है। हेलो। अरे नहीं यार, वही रोज वाली बात। अरे इस हालत में उनके पीछे कहाँ जा रहा है, जाने देना। अरे कैसे जाने तू, सारे लोग मेरा पैसा लेके चला गया। क्या इसका मतलब है तेरे साथ वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है? क्यों, तेरे साथ क्या हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, गांव से 32,222 रुपए लेके आया था, जैसे ही स्टेशन पे उतरा कोई मेरा बैग लेके भाग गया। ए भाव, जरा हाथ लगाना, बहुत बोझा है। तो वो रुपए तुम्हारे थे? कौन से? वही जो तुम गांव से लेकर आए थे। अरे मेरे भोले भाई, ये बंबई शहर है, यहां बहुत चौकस रहना पड़ता है। देख तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है? 32,200। विजय। विजय। मैं अमर। कैसे रहते कहा? अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है, रहना तो दूर, चने खाने के लिए भी पैसे नहीं है जेब में। देख दोस्त, एक काम करते हैं, मेरे पास एक खोली है, छोटी सी है, तू चाहे तो वहां रह सकता है, आधा कमरा तेरा आधा मेरा। अरे नहीं नहीं, क्यों मेरी वजह से तुझे तकलीफ? अरे तकलीफ क्या की यार, तूने मेरी जान बचाई ना। तकलीफ तकलीफ बोलता है। देख तू इस शहर में आया, तेरे पैसे गायब हो गए, अब मुझे चुकाना तो पड़ेगा ही, भले रकम मोटी है। तुझे क्यों चुकाना पड़ेगा, तुमने कहा लिए मेरे रुपए? नहीं मैंने लिए तो नहीं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। इस शहर में तुम भी अकेले, मैं भी अकेला, इस हिसाब से तो अपन भाई भाई हो गए, क्यों? वाह 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 वाह, ये बंबई शहर में चोर और चक्कों के साथ साथ तुम्हारे जैसा नेक इंसान भी रहता है। अरे नेक इंसान काय का यार, चल पेट पूजा करते हैं। चल चल चलो चलो। अरे कुछ नहीं। अरे तू तो जा रहा है यार, किसने मारा तेरे को? बोल तो सही, कितना खून निकला यार? अरे कुछ बता तो सही, किसने मारा तेरे को यार? कुछ नहीं यार। आन। अरे क्या हुआ बेटा, कौन मारा तेरे को? अरे कौन मारा इसको? अरे कुछ नहीं। ए घनश्याम, ए पिंटू, ए नन्नी,
ए यास्मीन, इधर आ रे, कोई मारा अपने अमर को, कोई मारा, वो अंकल बेटा तेरे को। जॉन अंकल, आज अपन मान गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर ये इंसान हमें नहीं बचाता तो आज तो गया था। अरे बेटा, तेरे को कौन खलास कर सकता है, अखा बस्ती का ब्लेसिंग है तेरे साथ। अरे भाऊ, तू यला बचाकर अखा बस्ती का ऊपर मुठा उपकार के लास। तुम्हें नहीं मालूम ये कितने घरों का राशन भरता है और कितने बच्चों की फीस देता है। हाँ, हमारी चाली में सबके सुख दुख में कितना काम आता है। अरे ये तो इस बस्ती का बेटा है बेटा। जॉन अंकल, आज से ये मेरे साथ रहेगा। वंडरफुल, यू मीन अब इस बस्ती का दो दो बेटा हो गया। अच्छा, पर ये तो बोल, यह है कौन? इसका नाम विजय है। अंकल, अगर तुम्हारा ये बेटा ऊपर से घायल है तो ये अंदर से घायल है। बड़ी दुख भरी कहानी इस बेचारे की। अरे गरीब का पैसा मारकर साला कौन सा बिल्डिंग बनाएगा? आई शपथ, मेरे को किधर मिलेगा ना, उसके बॉडी का इंजन डाउन टू डकिल। अगर मुझे मौका मिले तो ऐसे चोरों को अपने ब्यूटी पार्लर में बिठाकर उनके नाखून के साथ साथ उनकी उंगलियां भी काट लूं। और मूंछ के साथ साथ सर के बाल मुंडवाकर आधा मुंह काला करके गधे पे बिठा के जुलूस निकलवा दूं मैं तो। अम्मा कसम खुदा की, अगर मेरा बस चले तो कपड़े की जगह उसकी गर्दन काट डालू। मैं तो साले को होटल ले जाकर किचन में घुमा के बावर्ची से कहूंगा कि इसको तंदूर में डाल के तंदूरी बना दे। अगर वो चोर कभी अपने हाथ में आ गया ना तो साले को कफन में बंद करके समुद्र में डाल देगा। आप लोगों का प्यार, जज्बात और हमदर्दी देखकर मुझे मेरा गांव याद आ गया। कौन कहता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, मानो तो हर कोई अपना है और ना मानो तो सारा जग बेगाना। और जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, इस जमीन पर इंसानियत जिंदा है। अरे आज मेरा 19वां जन्मदिन है भाई। पिछले साल भी 19वां जन्मदिन, इस साल भी 19वां जन्मदिन। अबे हम सब क्या पागल हैं? यार मैं 19वें अटक गया हूँ। अब 19वां हो या 29वां, तुम लोगों का पार्टी से मतलब है ना। ललन भाई, एक नया शेर बनाया हूँ, सुनो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। अच्छा। समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, समझे? अच्छा फिर सुनो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ए भाई, ए भाई, जब तू नहीं नहा रहा है कम से कम नल तो बंद कर दे। ये गवर्नमेंट का पानी, मैं नहाऊं या बहाऊं, तू तू क्यों बीच में दखल देता है? एक मिनट, एक मिनट, ये पानी ना मेरे काम आ रहा है ना तुम्हारे काम आ रहा है। अरे किसी का भी काम आ गया, तू बीच में क्यों होशियारी दिखाता है, जाकर काम कर। एक मिनट, क्यों पानी का खून कर रहे हैं आप? पानी गिरता है तो गिरने दे, तेरा बाप का क्या जाता है, तू अपने काम से जाते है कि नहीं? हां अबे साले, बाप का नाम लेता है? चल बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे नल के, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? यार विजय, ये तू क्या कर रहा है? अबे गेंडे, आइंदा अगर कभी मैंने देखा कि नल से पानी बह रहा है और तू साबुन लगाकर किसी से शेर शायरी कर रहा है तो तेरी ये चर्बी है ना पिघला कर रख दूंगा, समझा? विजय, पानी जैसी छोटी चीज के लिए इतना गुस्सा? हाँ, ये छोटी सी बात नहीं है मेरे यार, अगर तुझे इस बात की गहराई को समझना है तो चल चल मेरे साथ मेरे गाँव में, मैं तुझे पानी की एक एक बूंद की कीमत समझाता हूँ। अरे जीने के लिए जितना जरूरी खून होता है ना, उतना ही जरूरी पानी होता है। अरे पानी का बंदोबस्त करने तो मैं यहाँ आया था शहर में। काश भगवान ने मुझे इतना गरीब न बनाया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मतलब? मतलब ये कि काश मैं तेरी मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं, मैं तो खुद रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। अरे यार, तूने तो मुझे सर छुपाने के लिए जगह दी है, लेकिन तू मेरे पैसों की फिक्र मत कर, मैं नौकरी करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और मेहनत करके अपने पैसे जमा करूंगा। लेकिन विजय, शहर में नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अरे ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है तो नौकरी क्या चीज है? हा? विजय तू
विजय मियां, आखिर नहीं मिली ना नौकरी? अरे नहीं मिला तो क्या हो गया मैन, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। जॉन अंकल, नौकरी कैसे करेगा जब सेहत ही नहीं रहेगी? क्या हो गया इसकी सेहत को? सुबह नाश्ते के बगैर चला जाता है और रात को भूखा सो जाता है। देखो सनी बॉय, ये भूखा रहने वाला मामला बिल्कुल रॉन्ग। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और थोड़ी सी खीर। ए भाई, ए भाई, भाई ये गरीब लोग का चाली है, घर का खोली खाली है, पर दिल का खोली में बहुत जगह है। अमा विजय मियाँ, कहाँ हो तुम 3 दिन से? बिल्कुल लापता हो गए हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे पहले तुम ये बताओ कि तुम खुद कहाँ थे 3 दिन से? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा काम ही ऐसा है, आना जाना तो लगा ही रहता है, 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ। चल अगर तुझे भी भूख लगी है तो 2 निवाले तू भी खा ले। अबे चल जल्दी, चल चल जल्दी। इस लड़के का जो खोयला पैसा है ना, वो इतना है कि उतना पैसा जमा करने का हम लोग सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अरे राजेश्वर भैया आप? राधा, कोई समाचार आया तेरे भैया का? कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई संदेशा? भैया को गए हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं राजेश्वर भैया, इतनी जल्दी पत्र कैसे आ सकता है? अब देखो ना, उसे जाकर कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि महीनों गुजर गए। चिंता लग गई है उसके। राधा, विजय का अगर कोई अता पता है तो मुझे दे दे, मैं अभी जाकर उसे चिट्ठी लिखता हूँ। ए राजेश्वर, अरे भाई सिर्फ तेरा ही ये हाल नहीं है, हम सबका ये हाल है। अगर उसका कुछ भी अता पता होता तो मैं खुद ही खत लिख देता। अब तो जब वो शहर से खत लिखेगा तो ही मालूम पड़ेगा वो है कहाँ। हाँ। राधा जी, जैसे ही विजय की शहर से कोई चिट्ठी आएगी ना तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ। मेरी चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा मुखिया, नमस्ते। राधा बेटी, ये बहुत प्यार करता है विजय से। ससुरा विजय का तो कोनू पता नहीं चला भैया, मगर एक नई बात का पता चल गवा है। वो कह रहे ससुरा विजय की बहन जवान हो गई है। हेलो लंकेश्वर। हाँ लंकेश्वर, बोलो क्या बात है? निरंजन, हमरी गांव की जमीन का सौदा तो तुम कर गए, मगर अब की बार पैसा नहीं भेजा। अरे भैया, करोड़पति बाप का बेटा हूँ मैं, जब चाहूँ बाप की तिजोरी से जितना मर्जी पैसा निकाल लूँ। तो फिर डालो अपना बाप का तिजोरी महात निरंजन, और हमरा पैसा भिजवा दो। तुम फिकर मत करो, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट पहुंच जाएगी। ओके निरंजन। जी डैड। कल रात तुम कहां थे? डैड अपने पुराने बंगले पे, वो मेरे दोस्त विकी का बर्थडे था। और पार्टी तुम्हीं ने दी थी, और ज्यादा दारू पीकर तुम वहीं सो गए होगे, है ना? बेटे तुम गुमराही की जिस सड़क पर चल रहे हो उसकी मंजिल ठीक नहीं। मुकद्दर ने तुम्हें दौलत दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे दोनों हाथों से उड़ाओ। रहा सवाल तुम्हारे दोस्त और दोस्ती का, तो बरखुरदार जहां दौलत की रोशनी जगमगाती है वहां परवाने आ ही जाती है, मगर जैसे ही रोशनी बुझती है परवाने भी गायब हो जाते हैं। वैसे ही जिस दिन तुम्हारी जेब में नोट नहीं होंगे, तुम्हारे ये दोस्त भी नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। ओके ओके डैडी, आज से उन दोस्तों से मिलना जुलना बंद, ठीक है? अच्छा डैडी, मुझे हाथ खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए। फिर रुपए? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। डैडी महंगाई कितनी बढ़ गई आपको मालूम है? 50,000 रुपए में हफ्ते भर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है डैडी। वो जज का बेटा खतोड़िया, वो 20,000 रुपए एक दिन में खर्च करता है, और वो राजू मिनिस्टर का बेटा 50,000 रुपए यूं उड़ा देता है। दुनिया भर के बेटे क्या करते हैं ये मुझे नहीं मालूम बेटा, मगर तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, गलत है, गलत है। कभी पसीना बहा के 1 रुपया कमा के देखो बरखुरदार, तो जान जाओगे कि दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। डैडी कभी कभी मुझे लगता है कि आपको औलाद से ज्यादा दौलत प्यारी है। नहीं,
बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी औलाद। मगर मैं देख रहा हूं कि मेरी औलाद एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसका अंजाम ठीक नहीं है। अपने आप को संभालो बेटे, वरना एक दिन ऐसी गहरी अंधी खाई में जा गिरोगे जहां से मैं तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब भी वक्त है, संभालो संभालो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मजदूरों की पगार का दिन है, मैं बैंक से 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ। oh, yes. आप गिन लीजिए। जिन पर विश्वास होता है वहाँ रुपए गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ चले। दे दो वरना तुम्हारा आदमी का गर्दन काट जाएगा। ये रहा आपका बैग। क्या मैं तुम जैसे दिलेर आदमी का नाम जान सकता हूं? साहब मेरा नाम विजय है। जानते हो इस बैग में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख हो या 10 करोड़, जिसकी अमानत है उसे वापस मिलनी चाहिए। ये मेरा धर्म है साहब। मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश भी थी और जरूरत भी, इसलिए तुम जहां भी काम करते हो कल से वहां काम नहीं करोगे। वहां तुम्हें जितनी भी तनख्वाह मिलती है मैं उससे दुगनी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। कल से तुम मेरे लिए काम करोगे। साहब असल बात यह है कि मैं भी नौकरी की तलाश में हूं। यह रहा मेरा कार्ड, कल सुबह 10 बजे फैक्ट्री में आ जाना। साहब मैं समझ लूं कि नौकरी मिल गई। एक मामूली सा काम भी नहीं कर सके तुम लोग। एक बैग छीन के लाने के लिए कहा था, वो बैग भी छीन कर नहीं ला सके तुम लोग। वाह बेटे वाह, तुझे आज अपनी औलाद कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे दुनिया का बड़े से बड़ा चोर डाकू भी अपना घर छोड़कर डाका डालता है, मगर तूने तूने तो अपने बाप की दौलत पर ही डाका डाल दिया। अपने बाप को लूटना चाहता है तू। बाप जब बेटे की फिक्र नहीं करता तो मजबूरन हम जैसे बेटों को ऐसा रास्ता अपनाना ही पड़ता है। खामोश। तेरे उन अय्याश और गुमराह दोस्तों पर लुटाने के लिए हराम की दौलत नहीं है मेरे पास। अरे क्या नहीं दिया तुझे मैंने? घूमने के लिए गाड़ियां, रहने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर, और एक अमीर बाप के बेटे का नाम दिया है तुझे मैंने। और तू आज अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय ऊंची आवाज में मुझसे जुबान लड़ा रहा है। डैडी वो जमाने गए जब बेटे बाप से ऊंची आवाज में बात करने से घबराते थे। ये 20वीं सदी है, हर आदमी अपनी मर्जी से जीता है। अपनी मर्जी से जीना चाहता है तू? अपनी मर्जी से? तो जा जी कर दिखा मुझे। अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से 2 वक्त की रोटी कमा कर दिखा मुझे, तब मुझसे। मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, आपकी दौलत पर मेरा भी हिस्सा है, आपके रुपयों पर मेरा भी हक है। कानूनी तौर पर आपकी एक एक पाई का मैं भी हकदार हूँ। अपने बाप पर हमला करवा कर जो बेटा 10 लाख रुपए लूटने के लिए इंसानियत को भूल सकता है, खून के रिश्तों को भूल सकता है, ऐसे नालायक बेटे का अपने बाप की दौलत पर कोई हक नहीं होता, कोई हक नहीं होता। इससे पहले कि मैं तेरे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके नीचे तेरी जिंदगी कुचल कर बिखर जाए, संभाल ले अपने आप को, संभाल ले। मेरी आखिरी वार्निंग है तुझे, इसके बाद आइंदा ऐसी कोई तूने गलत हरकत की तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा।
अब तुम जाओ, बाद में सुना था। अरे बाप रे बाप। जोनकल, जोनकल, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ नौकरी मिल गया। हाँ गॉड इज ग्रेट। सुनो रे, सनी को नौकरी मिल गया। अरे बेबी, हम तो हाथ जोड़ता है। अंकल, अंकल लगी शर्ट अभी तो लगती है। अरे पीछो प्लीज। लेकिन मरना जिंदगी से हारना है, कायरता है, बुजदिली है। हाँ, हाँ, मैं बुजदिल हूँ, कायर हूँ, जीना नहीं चाहती। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? क्यों बोलो मुझे? जानना चाहती हो तो सुनो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। बचपन में ही आपके पिता ने और मेरे पिता ने हम दोनों की सगाई कर दी थी। व्हाट? सगाई और तुझसे? शक्ल देखी है तूने अपनी? ये हुलिया, गवारों जैसे कपड़े। अरे तू मेरे इस घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और यहाँ की मालकिन बनने के सपने देख रही है। अगर तेरी मेरी सगाई हो भी गई होती तो भी मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करता। चल अभी निकल यहाँ से। आउट, आउट, आउट। नहीं बाबूजी नहीं, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। ओफो, अभी जाती है, देख के बाहर निकाल दूं। नहीं बाबूजी नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊंगी? मैं बहुत आशाएं लेकर यहाँ आई हूँ। आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वाह वाह वाह, दौलत की चमक देख कर क्या कहानी बनाई है। कहानी नहीं बाबूजी, यकीन नहीं आता तो अपने पिताजी से पूछिए। मैं सोनपुर गांव की मुखिया केदारनाथ की बेटी हूँ। ओहो, तुम केदारनाथ जी की बेटी गीता हो? हाँ बाबूजी, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ का भी देहांत हो गया। आपके सिवा अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं इस घर की बहू बनूं, ये मेरे स्वर्गीय पिता की अंतिम इच्छा थी। ना मैं किसी केदारनाथ को जानता हूँ और ना उसकी किसी बेटी से मेरा रिश्ता है। ए, उठा के बाहर फेंको उसे। वो साला निरंजन इंसान के खाल में छुपा हुआ शैतान है। तुम उस शैतान के लिए अपने जान देना चाहती थी? अरे तुम्हें तो अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। तो उलट दो ना साले का तख्ता। ये इतनी सीधी, वो इतना टेढ़ा, ये मौसमी नारंगी जैसी मीठी, वो करेले नीम जैसा कड़वा, कैसे हो सकता है ये सब? सनी, ये बेचारी अकेली लड़की उस डेविल से क्या टक्कर ले सकती है? जॉन अंकल, जिस तरह उसने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, हमें कुछ ऐसा गेम खेलना चाहिए कि वो भी इसे ना पहचाने और इसे पाने के लिए तरसता रहे, और उसके बाद ये निरंजन को एक ऐसी चोट दे कि वो जिंदगी भर तक तड़पता रहे। देखो भाई, कहते हैं कि ताकतवर को तलवार से मारा जाए और दौलत वाले को हुस्न के वार से। लेकिन लेकिन विजय कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं, आओ। भैये, हमरी खोपड़िया के जंगल में छुटका से छुटका सफेद बाल हमरी ई नजरिया पकड़ लेती है, मगर उस ससुरा विजय शहर का जंगल मा कैसन पकड़ मा आए, ई बात हमरी खोपड़िया के पकड़ मा नहीं आवत है। राजेश्वर, विजय नाम की पतंग की डोर हमरे और तुमरे हाथ से छूट गई है और पतंग जाकिरी है शहर मा। अगर हम निरंजन से कहे कि विजय को शहर मा तलाश करे तो? नहीं नहीं राजेश्वर, नहीं। अगर निरंजन को पता चल गवा कि बिजनेस की दाल में कुछ काला है, तब तो सिर्फ तोरे और हमरे बाल ही काले हुए हैं, ये सारा सौदा ही काला पीला हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर क्या करें भैया, क्या करें? फिलहाल तू अपने बाल काले कर,
उसके बाद ऐसा कोई काला चक्कर घुमाएंगे कि सारे गांव की जिंदगी काली हो जाएगी। लड़की का पोस्ट चढ़ाता है। एक्सक्यूज मी। हो गया जी हो गया प्यार हो गया, खो गया जी खो गया दिल खो गया। हो गया जी हो गया। आपका पर्स। एक्सक्यूज मी जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। यस। गॉड ने काफी फुर्सत से तराशा है आपको। आपको भी क्या चुस्ती फुर्ती दी है भगवान ने। आप नहीं होते तो मेरा पासपोर्ट क्रेडिट कार्ड सब गुम हो जाता। थैंक यू वेरी मच मिस्टर निरंजन। और आप हैं मेघना, मेघालय की राजकुमारी। राजकुमारी प्रिंसेस, प्रिंसेस ऑफ मेघालय। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, मैं कल आपको चाय पर इनवाइट कर सकता हूँ? कल मैडम, कल आप शाहरुख खान के साथ डिनर कर रही हैं। या बेचारा 6 महीने से चक्कर काट रहा है। परसों? परसों तो सचिन तेंदुलकर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। ओहो, उसके बाद नो चांस, सवाल ही नहीं उठता। जूनियर पतौड़ी शर्मिला जी की रिकमेंडेशन लेकर आया है। फ्राइडे जी जी बिरला। सैटरडे अनिल कपूर अंबानी। मेघना जी, मेरी बारी कब आएगी? आप संडे को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे आपने कुछ करने के लायक छोड़ा ही नहीं है। मैं फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ। आप बताइए कवर कहाँ मिल रहा है, मैं आपको घर से पिक कर लूँ। आपका घर कहाँ है? घर तो मेघालय में है। फिलहाल आप चाहें तो ओबेरॉय से मुझे पिकअप कर सकते हैं। व्हाट टाइम? यही कुछ 6-7 के बीच। ऑलराइट, मैं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं सवेरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शाम के 6 बजे की बात कर रही हूँ। मैं तो सुबह 6 बजे ही आ जाऊंगा। मे बी यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद मी? एज यू विश अंजन। निरंजन, मेघना जी, तो फिर अपने संडे की डेट पक्की रही। आई बी देयर, मैं इंतजार करूंगा। ओके बाय। पहले गवर्नर हाउस ले जी मैडम। लेकिन मैडम आज तो आपको जापान के एम्बेसडर से मिलना है। ओहो, मैं तो भूल ही गई, पहले वही ले जी। हो गया जी हो गया। वाह रे खुदा तेरी खुदाई, क्या 16 बदन लड़की बनाए। क्या हुआ सनी? अरे अंकल, तीर एकदम निशाने पे लगा। निरंजन पहले ही राउंड में चित हो गया। अंकल, वो तो इसके रूप का ऐसा दीवाना हो गया, ऐसा दीवाना हो गया जैसे कोई भवरा किसी फूल का। मैं तो किसी भी काबिल नहीं थी, जिंदगी से हार कर मौत की तरफ जा रही थी, मगर आप लोगों ने मुझे जीने के काबिल बनाया। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सबसे बड़ा एहसान तो विजय का है, क्योंकि अगर ये जिंदगी ही ना होती तो कुछ भी ना होता। विजय ने मुझे नई जिंदगी दी है, नया हौसला दिया है, नया साहस दिया है। अरे वाह भाई वाह, सारी क्रेडिट आपने इन्हें दे दी, और हमने जो आपके लिए पापड़ बेले वो कुछ नहीं। अरे, सच्चे दिल से ना सही, झूठे दिल से हमारी तारीफ कर दीजिए। अमर, जब मैं सारी बस्ती के एहसान मंद हूँ तो तुम भी तो बस्ती में आ गए ना? नहीं, बस्ती में तो हूँ, लेकिन सबसे खास तरीके से इसकी क्यों? अबे तू भी किसी लड़की को बिल्डिंग से कूदने से बचा ले तो तेरा भी नाम खास लिस्ट में आ जाएगा। हो गया जी हो गया प्यार हो गया, खो गया जी खो गया। माय गॉड,
लग रही हैं आप। मुझे देखते ही तुम गॉड को क्यों पुकारने लगते हो? क्योंकि आप जब भी मेरे सामने आती हैं, मुझ पर हुस्न की बिजलियां गिराती हैं। मेघना, तुमने मेरे दिल को घायल कर दिया है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेघना माय बटरफ्लाई। मैडम, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेघना, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आता, शायद ख्वाबों में देखा होगा। मेघना, मैं तुम्हारी हर तमन्ना पूरी कर दूंगा, बस तुम मेरे दिल की बस्ती में मस्ती भर दो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता मेघना। मैं ये क्या कर रहे हो? देखो निरंजन, मैं अभी तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। हालांकि मेरी मम्मी की मौत के बाद मेरे डैडी ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया है, पर मैं जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहती। जल्दबाजी में उल्टा सीधा पति मिल गया तो? विजय, ये क्या हाल बना रखा? विजय, इतना काम मत कर मेरे भाई। अमर, वक्त इतना कम है और रकम इतनी ज्यादा है कि सब जमा करने के लिए दिन रात तो क्या, खून पसीना भी एक करना पड़ेगा। सुनो, मुझे मेरी बर्थडे पार्टी में कोई गेस्ट नहीं चाहिए। सबको बोल दो मेरी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। ओके डार्लिंग, डार्लिंग, जैसा तुमने कहा था मैंने सब कैंसिल कर दिया, बस अब सिर्फ तुम होगी और मैं। निरंजन डार्लिंग, इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारा जन्मदिन भी है और मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी, जिंदगी का बेहतरीन तोहफा। व्हाट? क्या तुमने लोगों को पार्टी में बुलाने से मना कर दिया? यानी कि तुम और निरंजन? नहीं नहीं गीता, ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों? अरे क्या ठीक नहीं किया, बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। क्यों? अरे क्या, तुम लोग तो जानते हो कि उस पैदाइशी कमीने के पास अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। क्यों? अरे दुश्मनों को पंजे में हराने के लिए खतरा तो लेना ही पड़ता है। क्यों? अरे तू ही तो बोलता था ताकतवर को तलवार से मारना चाहिए, दौलत वाले को हुस्न से, बोलता था कि नहीं? अरे हाँ हाँ बोलता था, लेकिन बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। क्यों? अरे ये उसके बदला लेने का स्टाइल है यार, तो लेने देना, तेरे को क्या है। और वैसे भी राउंड पे राउंड लगाई जा, दुश्मनों को सर के बल गिराए जा। क्यों? गीता, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वो नो, क्या है? मैडम, आपको इसी वक्त इंग्लैंड जाना है। इंग्लैंड? क्यों? इंग्लैंड की महारानी आपके साथ शॉपिंग करना चाहती हैं। अरे ओ, इस वक्त कौन सी फ्लाइट मिलेगी? मैडम का प्राइवेट प्लेन है। मेघना, आई एम सॉरी निरंजन, मुझे जाना ही होगा। अब तुम कैंडल लाइट डिनर अकेले ही खाना। ओके, बाय बाय। बाय, मिस यू। चिड़िया फिर जाल से निकल गई। बहुत ले चुकी तुम बदला। आज के बाद तुम निरंजन से अपने ताल्लुकात बिल्कुल बंद कर दोगी। क्यों भाई, क्यों? अगर ये बदला लेना चाहती है तो लेने दे से। यार तू समझता नहीं, वो निरंजन एक नंबर का बदमाश दरिंदा आदमी है। तो क्या हुआ, हा? संभाल लेगी अपने आप को, तुम्हें बड़ी फिक्र है इसकी। यार अगर हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अच्छा अच्छा, सारी बस्ती इसकी फिक्र कर रही है लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र है। यार तू समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। समझ रहा हूँ मियाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। क्या 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 समझ रहा है तू? यही कि जब पहली बार तुमने इसे बचाया था तो उसमें कुछ बात थी, बात में कुछ जज्बात थे, जज्बात में भी कोई बात थी, लेकिन ये बात में कुछ और बात है। अब क्या बात है? यार देख, ऐसी कोई बात नहीं। देख, मैं बम्बई की पैदाइश हूँ, पनवाड़ी की दुकान से कोई सीटी बजाता है तो कौन से मकान की खिड़की खुलती है हम अच्छी तरह जानते हैं। और खैर तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम्हारे दिल की खिड़की खुले और हमें पता ना चले, ये तो नामुमकिन है।
देखिए एक नंबर का बेवकूफ है गीता, इसकी बातों का यकीन नहीं करना, बिल्कुल मत करना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताऊ ये एक नंबर का झूठा है गीता, इसकी बातों का बिल्कुल ध्यान मत देना। अरे जरा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये उल्लू, ये दीवाना तुम्हें इतना चाहता है, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुमसे इतना प्यार करता है और हमेशा तुम्हारे सपने देखता रहता है और बहुत प्यार करता है तुमसे। गीता, अमर ने जो कहा तुमने सच तो नहीं मान लिया? नहीं, सच क्यों नहीं माना, वो सही कह रहा था। व्हाट, शादी? यू मीन मैरिज? हाँ डार्लिंग, यस डार्लिंग, ऑनेस्ट डार्लिंग। तो जल्दी चलो ना डार्लिंग, अभी मंदिर चलकर 7 चक्कर काट लेते हैं। डार्लिंग, उन 7 चक्कर से पहले एक और भी चक्कर है। क्या चक्कर है? मेरे फैमिली मेंबर का चक्कर। ओह हाँ, वो पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। और रैली? ठीक है, मिल लेते हैं। कहाँ है आपका महल, कहाँ है आपकी हवेली? तुम? हाँ मैं वही गीता हूँ जिसने तुम्हारे दरवाजे पर आकर विनती की थी, हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी थी, और तुमने मुझे घर से ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया था। याद आया तुम्हें? ओहो, अब भूल भी जाओ ना पिछली बातों को। आई लव यू गीता, आई लव यू, आई हेट यू। मोहब्बत तो तुमसे मैंने कभी की ही नहीं थी, वो तो सिर्फ एक रिश्ते की डोर थी, एक डोर जो मेरे माँ बाप बांध गए थे। मैं तो उस रिश्ते को निभाने भी आई थी, और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में तुम फिर कभी किसी भी औरत के साथ ऐसा सुलूक नहीं करोगे जैसा तुमने मेरे साथ किया था। Listen, I'm warning you people, मेरी बात मारो, खूब मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, मारो, खूब मारो, और मारो, और मारो, छोड़ दे, मारो, मारो, छोड़ दे, और मारो, खूब मारो, विजय, देख, लड़की के लिए अपनी दोस्ती के बीच में गड़बड़ी हो जाए अच्छा नहीं। हाँ, इसलिए पहले पूछ लेना चाहता हूँ, उस लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं तेरा? कौन सी लड़की? हुई अपनी गीता? नहीं नहीं यार, मेरा और गीता को कोई चक्कर नहीं। यही एक सवाल मेरे प्यार के बीच में दीवार बन रहा था। देख, अगर तेरे दिल में गीता के बारे में कुछ है तो अभी बता दे, मैं दोस्ती के नाम पे पीछे हट जाऊंगा। बोला ना एक बार। देख, तू दिल से बोल रहा है ना? देख, अगर कोई चक्कर वगैरह तो बोल दे यार। वैसे तो मैं होश में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सोचता हूँ शराब पी के ही बोल डालूं, क्या ख्याल है? बोल डालूं ना। अरे तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे तू नाराज क्यों होता है? हैं? दोस्त है, सलाह ले रहा हूँ, बोल डालूं ना। अरे हाँ हाँ बोल दे। अरे थैंक यू यार, दोस्त तो तेरे जैसा और लवर हो तो मेरे जैसा। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए जो भी। चल बे, बॉटल दे। अमर। गीता, I love you गीता। सच अमर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती अमर। I love you अमर। ओह अमर, अमर मैं क्या हुआ? हाँ बोल, तुम्हारे उसके बीच में कुछ नहीं है? गीता, मैं तुमको बोलता था ना, ये उल्लू बेवकूफ तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता है, ख्वाबों में भी तुम्हें ही देखता रहता है। क्या बात कर रहा है? क्या हुआ? समझ के, 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 समझ
चलो 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 प्यार करना भी नहीं आता सालो। अरे तू क्यों फिक्र करती है, मुझे पूरा यकीन है विजय अपने काम में सफल होके लौटेगा। हाँ राम राम मुखिया। जय राम भैया। अरे ओ राधा, कहाँ है तेरा भाई? सारे गांव का मतिया बन रहा था। कह रहा था कोई गांव छोड़कर ना जाए तो क्या प्यासे मर जाए यहाँ। हाँ भाई, समय तो काफी बीत गया, खामखा गांव वालों को उम्मीदें बांध के चला गया। एक महीना पूरा होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, फिर उसके बाद कहाँ से मिलेगा पानी? बेमुरब्बत मतलबी लोगों, जो इंसान अपनी जमीन बेचकर तुम लोगों के लिए पानी का इंतजाम करने गया, तुम लोग उसी को गाली दे रहे हो, उसी की बहन पे ताना कस रहे हो। ठीक कह रही है ये लड़की, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मकबूल, गांव में ट्यूबवेल लाने के लिए कोई आदमी अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए रुपए लेके जाएगा क्या? और सारे गांव में घर घर में पानी पहुंचाने का ठेका इस अकेले ने लिया हुआ है, क्या उसी का जिम्मा है ये? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गांव में उसका इंतजार कर रहे हैं और भगवान ना करे विजय इस दुनिया में ही नहीं। ऐसा मत कहिए राजेश्वर भैया, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बाबा, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता ना बाबा, कुछ नहीं हो सकता। आप लोग देखना, वो एक दिन जरूर आएंगे, एक दिन जरूर लौट के आएंगे, देखना आप लोग। वो देख बाबा, इतने बड़े शहर में भैया को कहाँ ढूंढेंगे? अरे भगवान पे भरोसा रख, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, चिंता नहीं करते। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लो बाबूजी। विजय अपनी बहन को खत लिख रहा है। हाँ यार, आज बहन की बहुत याद आ रही है। हाँ, बहन की याद भी आती है, बहन को खत भी लिखता है, लेकिन एड्रेस लिखना भूल जाता है। अब एड्रेस कौन लिखेगा इस पर है? कौन लिखेगा? अरे ये खत तुझे कहां से मिला? ये खत ही नहीं बल्कि देख मुखिया जी, हाँ जाइए आ जाइए, बैठा बैठा इधर आइए। जा मिल मगर राधा, तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? अरे बेटे, हम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते अगर तेरा ये दोस्त न मिल जाता, इसका एहसान है हम पर। बेटे जैसे ही हम बस से उतरे इतने में यार बहुत एहसान किए हैं मुझ पर, लेकिन आज तेरे एहसान ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। तू नहीं जानता यार, मेरी बहन मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं, मेरा सब कुछ है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाता। विजय, जीना तो गांव वालों का दूभर हो गया है। वहां कमबख्त उस लंकेश्वर ने गांव वालों को पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या बेटे, सब आस लगाए बैठे हैं कि तू ट्यूबवेल लेके आएगा तो उन सबका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए बेटे, तू वापस क्यों नहीं आया? कैसे आता वापस, बेचारे का सारा पैसा जो चोरी हो गया। हाँ बाबा, किसी मतलबी खुदगर्ज इंसान ने अपना पेट पालने के लिए हमारे गांव वालों का पेट काट डाला। भैया, अगर हम ट्यूबवेल लेके गांव नहीं पहुंचे ना तो सारा गांव प्यासा मर जाएगा, और लंकेश्वर के नाम अपनी सारी जमीन लिखवा के गांव वाले बेघर हो जाएंगे।
तुम चाहती हो कि मैं उस चोर को, उस गुनहगार को जेल से छुड़ा दूं? यह हरगिज़ नहीं हो सकता। इस सब की वजह मैं हूं। तुम? हाँ साहब, मैं उस बदनसीब गांव गंगावती का रहने वाला हूं, जहां कभी पानी बरसता है तो कभी नहीं बरसता। पानी की समस्या हल करने के लिए मैं अपने जमा किए हुए रुपए लेकर ट्यूबवेल खरीदने शहर आया। शहर पहुंचते ही मेरे सारे रुपए चोरी हो गए साहब। मैंने जान तोड़ मेहनत की वो पैसे जमा करने के लिए, लेकिन जमा नहीं कर पाया। साहब, अगर 10 दिन में मैं वो ट्यूबवेल लेकर वापस गांव नहीं पहुंचा तो मेरा सारा गांव बर्बाद हो जाएगा साहब। साहब, ये बात जब मेरे दोस्त ने सुनी तो मेरे गांव को बर्बादी से बचाने के लिए उसने आपके घर पे चोरी की। मैं जानता हूं साहब, उसका तरीका पाप का था, लेकिन वो काम पुण्य का कर रहा था साहब। साहब, मेरे दोस्त को रिहा करवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब। देखो भैया, पूरे 10 लाख की लॉटरी लगी है। लग गई? अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। शंकर भैया, ये लॉटरी जो तुम्हें लगी है ना, ये सब इस तावीज का कमाल है। सब इस तावीज का कमाल। ये लॉकेट, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है साहब। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? शंकर नारायण। जाओ बेटे, तुम्हारा दोस्त छूट जाएगा, मैं ये केस वापस ले लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं जानता हूं मेरे दोस्त कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू वहां चोरी करने गया था। तूने यह नहीं सोचा मेरे दोस्त कि मेरे वजह से तू बदनाम हो जाएगा, एक चोर कहलवाएगा और यह दुनिया। बस कर विजय, मैं पहले अपने नजरों से गिर चुका हूं और मुझे नीचे मत गिरा। ये तू क्या कह रहा है यार? तू नहीं जानता मैं कितना बड़ा कसूरवार हूं, कितना बड़ा गुनहगार हूं। गुनहगार? हां, मैं ही वो गुनहगार हूं। आज तक एक राज, एक पाप मैंने अपने सीने में छुपा रखा। वो खुदगर्ज, वो बेरहम, वो मतलबी इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। मैं ही वो चोर हूं जिसने तुम्हारा बैग बस स्टॉप से चुराया था। क्या? वो चोरी तूने की? हाँ, मैंने वो चोरी की थी। मैं ही वो चोर हूं क्योंकि चोरी करना मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी का जरिया है। कमीने! बकार! विजय छोड़ दे। अपना पेट भरने के लिए तूने मेरे गांव वालों को जिद्दी जी मारा। आज तेरे कारण मेरा गांव पानी की आग में चल रहा है। इसकी जड़ तू है, इसका कारण विजय। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। जाने दे इसे। बाबा, आप नहीं जानते इसने मेरे गांव वालों के साथ क्या किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बस करो। अरे अंकल, मैं क्या माफ करूंगा इसे? इसे तो आपका गॉड भी माफ नहीं करेगा। अरे मगर एक दोस्त तो माफ कर सकता है। अरे भाड़ में गई ऐसी दोस्ती और ऐसा दोस्त, आज से मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे विजय, अपने दोस्त को इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे माफ कर दे। छोड़ दे मुझे। विजय, दोस्त के लड़खड़ाते कदमों को एक दोस्त ही संभाल सकता है। विजय भैया, कोई आदमी इस दुनिया में शौक से चोर या मुजरिम नहीं बनता, गरीबी, भूख और मजबूरी उसे बना देती है। विजय, तुमने जो कुछ भी सुना वो इसका गुजरा हुआ कल था, भूल जाओ उस कल को, माफ कर दो इसे। बेटे, तेरी वजह से आज उसके अंदर एक नई अमर ने जन्म लिया है, उसे छोड़ के मत जा बेटे। हाँ विजय भैया, कहते हैं जिसे माँ बाप नहीं सुधार सकते उसे कभी कभी दोस्त सुधार दिया करते हैं। हाँ भैया, माफ कर दीजिए उन्हें। विजय, मैं वादा करता हूं आज के बाद उसी रास्ते पर चलूंगा जिस पर तू चलने को कहेगा।
मैं बात करता हूं। विजय, वो मैंने एक चोरी और भी की है, वो भी तेरे घर पर। क्या? वो राधा और मैं। अरे बोल। वो मैं और राधा। अरे क्या? वो मैं साला, नहीं नहीं तू साला, मैं बहन हो शादी कर। तू समझा? अरे मैं तो सब समझ गया। तू साहब, आप और यहां? हाँ विजय, तुम्हारे गांव के लिए मैं ट्यूबवेल ले आया हूं। मेरे गांव के लिए? हाँ, तुम्हारी जुबानी तुम्हारे गांव की कहानी सुनी तो मेरा मन भर आया, और इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज समझकर मैं बड़े एहसान का बोझ मत डालिए, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा साहब। वाह, उस रोज तो तुम अपने गांव की तबाही पर रो रहे थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पते हुए इंसानों की तस्वीर दिखा रहे थे, आंसुओं में डूबे हुए अपने गांव की कहानी सुना रहे थे, और आज जब मैं तुम्हारे उसी गांव के लिए ये ट्यूबवेल लेकर आया हूं तो तुम्हारा जमीर जाग उठा, तुम्हारे अंदर की खुददारी बाहर आकर चिल्लाने लगी। अरे मैं कौन सा दानवीर कर्ण हूं जो तुम्हें ये ट्यूबवेल दान में दे रहा हूं? अरे तुम पर ये कर्ज है, जिस दिन तुम इसे चुकाने के काबिल हो जाओगे आकर मेरा कर्ज चुका देना। सनी साहब ठीक कहते हैं, हम भी बस्ती में आपस में आटा चावल घी उधार लेते हैं ना, जब वक्त आता है वापस कर देते हैं। विजय, आजकल तो एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है। बेटे, चोरी करना गुनाह है, किसी को धोखा देना पाप है, उधार लेना पाप नहीं है। हाँ भैया, बाबा सही कह रहे हैं। आपके एहसान ने तो मुझे सर से लेकर पांव तक खरीद लिया है, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब, और सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। विजय, कर्ज तो अकेला नहीं चुकाएगा, हम दोनों साथ मिलकर चुकाएंगे। वेलकम डैडी, वेलकम। शाबाश बेटे, शाबाश, आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम अपने बाप को अपना जूता दिखाने लगे। मगर आपने उस दो कौड़ी के विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी तकदीर के मुंह पर जूता मारा है, बाप होकर बेटे के सीने में खंजर उतारा है, खंजर। विजय को ट्यूबवेल देने से तुम्हारी छाती में खंजर कैसे उतर गया? मैंने एक जमीन का सौदा किया था जिसमें मुझे करोड़ों रुपए का मुनाफा होता, आपने विजय को ट्यूबवेल देकर मेरी, अगर ट्यूबवेल वहां पहुंच गया तो इस जमीन से पानी निकल आएगा, और अगर जमीन से पानी निकल आया तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तुम यहां मेरे बेटे के साथ, और हम इस जमीन पर होने वाले बिजनेस में भी तुम्हारे बेटे के साथ बराबर के भागीदार हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब बेटे को बाप के गुनाहों के साए दिख जाते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है। भूल गए वो कहानी जिसमें आंसू भी हैं, खून भी है, और चाकू के कलम से लिखी हुई एक दास्तान भी है? हाँ?
तक मैं आपको एक महात्मा, एक देवता, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हरिश्चंद्र समझता था, मगर आपके हाथ तो खून में डूबे हुए हैं, आपकी कल की परछाइयां तो खून में सनी हुई है। छी छी, मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। बेटे, ये जुर्म मैंने नहीं किया है, ये खून एक साजिश है जिसका जाल 15 साल पहले इसने और इसके भाई लंकेश्वर ने बुना था। इन दोनों ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ बेटे। अच्छा, अगर आप बेकसूर और बेगुनाह थे तो 12 साल तक खामोश क्यों रहे? तेरी खातिर बेटे, तेरी खातिर, कि कहीं दुनिया तुझे खूनी का बेटा ना कहे, तेरा बचपन कहीं लावारिस या बेसहारा ना हो जाए। मगर ये क्या, आज तू भी इनकी साजिश का शिकार हो गया? ये वो जहरीले सांप है बेटे, जो इंसानों की सांसों को भी डस जाए। इनसे अपना साथ छुड़ा ले बेटा, वरना ये तेरी जिंदगी को नरक समान कर देंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटा, अब भी वक्त है, दोस्त और दुश्मन को पहचान। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? बेटे, ये तेरी जिंदगी में जहर भर देंगे। आप विजय से ट्यूबवेल वापस लेंगे या नहीं? हम तुम्हें आज शाम तक का वक्त देते हैं, अगर तुमने विजय से ट्यूबवेल नहीं लिया तो ये तस्वीरें जो तुम्हारे घर के फर्श पर पड़ी हैं, पुलिस स्टेशन की टेबल पर नजर आएंगे। हाँ, फैसला आपके हाथ में है, विजय से ट्यूबवेल वापस लेना चाहते हैं या फांसी का फंदा अपने गले में डालना चाहते हैं? आओ पटना चलो। अरे आ गया भाई, आ गया, अपने गांव में ट्यूबवेल आ गया। आज के बाद अपने गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल। क्यों क्यों, आज बड़े खुश हो रहे हो, उस दिन तो बड़ी गालियां दे रहे थे, आज दो गालियां, आज कोसो, ले आया ना ट्यूबवेल, है ना शेर का बच्चा। हाँ विजय भैया, तुमने तो बुझते हुए उम्मीदों के दिए को फिर से जला दिया। विजय, जब हर घर में पानी पहुँचेगा तो लोग तुम्हें कितनी दुआएं देंगे। तुम पानी नहीं लाए हो बेटा, इस गाँव के लिए जिंदगानी लेकर आए हो। बस 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 बस, बहुत तारीफ कर ली आप लोगों ने, आइए हिस्से मिलिए। ये है मेरा होने वाला भैनोई अमर। नमस्ते अमर बाबा। नमस्ते। मुबारक हो, लगता है अब आप भी हमारे गांव से जुड़ गए हैं। सिर्फ ये नहीं, ये भी अब इस गांव से जुड़ गई हैं। ये है मेरी होने वाली भाभी। गीता, यही वो चूड़िया है जिस पर मैंने विजय की सजनी का नाम लिखा था। सोचती थी जो विजय की सजनी बनेगी ये चूड़ियां उसका नसीब बन जाएंगी। तुम बड़ी नसीब वाली हो गीता। अरे सब गड़बड़ हुई गवा भैया, सब गड़बड़ हुई गवा। उस दूसरा विजय गांव में ट्यूबवेल लेकर आ गया है। लंकेश्वर, मैं तो उस ट्यूबवेल की धज्जियां उड़ा दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शांति शांति, हम का बांस की भी जरूरत है और बांसुरी की भी। हम बांस बिना ही तोड़ेंगे और बांसुरी भी बजाएंगे। ऐसा खेल खेलेंगे कि सारा गांव मैदान छोड़कर भाग जाएगा। लाश भी गिरेगी, खून भी बहेगा। हमरे जीते जी गांव में सिर्फ खून बांटा जा सकता है,
पानी नहीं। अबे ए गांव के मसीहा, अरे खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो हां इन झोपड़ियों की तरह सारे गांव वालों के शरीर के चिथड़े करके हवा में बिखेर दूंगा। अरे ए राजेश्वर, तू तू भी इसके साथ मिला हुआ है? ए बुढ़े, अरे जहर भी कभी जहर से अलग हुआ है? अरे आग ने कभी आग का दामन छोड़ा है? तो फिर भाई भाई से अलग कैसे हो सकता है? मारो सारों को। रा 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 रा। अरे बैठ के मुन्ना बजा झुंझुना लगाते हाई ना दिन दिना। अरे बजेगा झुंझुना मुन्ना, खूब बजेगा। याद है हमने क्या कहा था कि हमरा नाम है लंकेश्वर, ये है हमरी लंका और हम हैं ई के ईश्वर। हा मुन्ना, कैसन लगी हमरे झुंझुने की झंकार? हाँ, अब एक झंकार और सुनाते हैं। तोरे बाप का नाम शंकर नारायण है ना? जानता है शंकरवा की मौत कैसन हुई थी? नहीं जानता? हम सुनाते हैं, सुन। आज से 15 साल पहले। अग्रवाल भैया, अरे भैया, अरे देखो कमाल हो गया। अग्रवाल भैया देखो। अरे काहे चिल्ला रहे हो शंकर भैया? देखो भैया, पूरे 10 लाख की लॉटरी लगी है। लग गई? अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। शंकर भैया, ये लॉटरी जो तुम्हें लगी है ना, ये सब इस तावीज का कमाल है। सब इस तावीज का कमाल। बधाई हो शंकर वाह। अरे तू तो बैठे बिठाए लखपति हुई गवा भैया। आ भैया आ भैया, अरे हमने भी तो गले मिल। हाँ भैया हाँ। लंकेश्वर, ये तूने क्या किया? शंकर मर गया, अग्रवाल फंस गया। उसके बाद हमरी और तोरी जिंदगी मां तीन चीजें हुई। तोरी मां सदमे से मर गई बेचारी, तू अनाथ हुई गवा, और हमने वो लॉटरी का टिकट का पैसन से अपनी ही लंका बनाई। लंकेश्वर, वाह, इसका तो हुई कहा। उठा के फेंक दो इसको पहाड़ के नीचे। चलो गांव वालों, हम तुम लोगन का 24 घंटे का मोहलत देता हूं। अपनी अपनी जमीनें हमरे नाम करके ये गांव खाली कर दो, वरना तुम तो जानते हो कि हमरा नाम है लंकेश्वर, ई है हमरी लंका और हम है ई के ईश्वर। हे ईश्वर, ले चलो तीनों को, चलो लंकेश्वर। हाँ हाँ हाँ, फिक्र मत कर तो का भी, अरे तो का भी अपना झुंझुने का झंकार सुनाऊंगा। ले चला चला।
बाप को मारा लंकेश्वर ने, इस गांव का पानी रोका लंकेश्वर ने, तुम्हारी हालत की लंकेश्वर ने। अरे विजय भैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं तुम्हारे गांव का हूं ना, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। राजेश्वर, लंकेश्वर कहां है? हाँ बताता हूं, वो साला हरामजादा कुत्ते का बच्चा बैठा है अपने शक्कर के कारखाने में। और विजय भैया, वो जो तुम्हारी बहन है ना, और वो तुम्हारा दोस्त गीता और बिजली, वो चारों को साथ ले गया साला। ए विजय भैया, मार डालो उसको, मार तो खत्म कर दो उसको, लेकिन लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। राजेश्वर, तेरी जिंदगी और मौत का फैसला अब ये गांव वाले करेंगे। नहीं, अरे मुझे भैया नहीं, अरे मुखिया जी, मत मारिए उसे, छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। राजेश सर कहाँ है? साला यहाँ का पता तो उसने। Thank you.
अरे जॉन चाचा और सब लोग कहाँ हैं? भाई तैयारियां हो रही हैं बस्ती में। तैयारी किस बात की? आपकी शादी की तैयारियां। मेरी शादी? हाँ। और ये रहा तुम्हारी शादी का तोहफा। आज से लंकेश्वर की सारी जमीन जायदाद और कुएं के कानूनी तौर पर तुम ही वारिस हो। सेठ जी, आपने विजय का छीना हुआ हक दिलाकर सारे गाँव पे एहसान किया है। हाँ, अब हमारे गाँव में पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। यार विजय, तेरी पानी की परेशानी खत्म, तेरी शादी की परेशानी खत्म, अब मेरी परेशानी का क्या होगा? अरे परेशान क्यों होता है यार, तेरी भी शादी हो जाएगी और कन्यादान करेंगे सेठ जी। करूंगा, कन्यादान जरूर करूंगा। आरा, 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 आरा,